Dostum, sonra yapma bir içeren hani doğru kampinya ha aaj ka video thoda lamba ho jayega kyunki main aaj aapke liye kuch naye smartphone laya hoon jo ki is mahine ya to agle mahine फरवरी में लॉन्च होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना बीच में बंद किए पूरा देखिए, ठीक है? तो पहला स्मार्टफोन है सोनी की तरफ से, 5G वर्जन में आ रहा है। कंपनी ने इस सेट का नाम नहीं डिसाइड किया है, लेकिन हाँ, जब ये लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस और नाम दोनों ही डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है? तो पहला स्मार्टफोन है सोनी की तरफ से, इसमें आपको एंड्रॉयड 9.0 का मिलेगा, ठीक है? गुरिल्ला ग्लास मिल जाएगा प्रोटेक्शन की तौर पे, फ्लैश पैड वाला, ठीक है? और इंटरनल स्टोरेज मैं बता दूं, सोनी का 2500 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको दिया जाएगा, ठीक है? और 8 GB की रैम मिलेगी इसमें। रेशियो आपका रहेगा 20:9, ठीक है? डिस्प्ले आपका रहेगा 6.69 इंच HD वाला। वैसे सोनी की पिक्चर क्वालिटी बेस्ट है, डबल रियर कैमरा आपको देखने को मिल सकता है इसमें। देखिए 20 MP और 24 MP, ठीक है? सेल्फी कैमरा भी इसमें आएगा, लेकिन अभी कंपनी ने वो भी नहीं तय किया है कि कितने मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देगी। लेकिन हाँ, लॉन्च के टाइम ये सबको पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो हम इसके बैटरी की तरफ आते हैं। बैटरी इसमें दिया जा रहा है 4980 mAh की, ठीक है? और इसकी प्राइस है केवल 42,000, मतलब 41,999 रुपये, ठीक है? तो ये था हमारे लिस्ट का पहला स्मार्टफोन सोनी की तरफ से, ठीक है? दूसरा स्मार्टफोन आता है हमारे लिस्ट में मोटोरोला की तरफ से, मोटो G10, ठीक है? ये आने वाला है। और हाँ, डिस्प्ले आपको इसमें 5.8 इंच की मिलेगी। रेशियो आपका मिलेगा 19:9 का। रैम मिलेगी आपको 8 GB, ठीक है? इंटरनल आपको मिलेगा 128 GB। और स्नैपड्रैगन परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 850 का मिलेगा, ठीक है? सेल्फी कैमरा मिलेगा 24 MP, और इसमें आपको डबल रियर कैमरा मिलेगा 41 MP के, दोनों रियर कैमरा, ठीक है? बैटरी रहेगी आपकी 4000 mAh और एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलेगा, ठीक है? प्राइस इसमें आपको पड़ेगी 25,000, यानी 24,999 रुपये। तो ये भी जनवरी या फरवरी तक लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है?
ये भी एक अच्छा फोन है, मोटोरोला का है। ठीक है, भाई हमारे लिस्ट का तीसरा फोन है नोकिया की तरफ से। जी हाँ, नोकिया 7.1। तो इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा 5.84 इंच का। ठीक है, स्नैपड्रैगन मिलेगा 636 का। रैम मिलेगी परफॉर्मेंस के लिए 636 का मिलेगा, और रैम मिलेगी 4 GB, और इंटरनल मिलेगा आपको 64 GB। ठीक है, डबल रियर कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा, 12 MP और 5 MP। ठीक है, सेल्फी कैमरा मिलेगा 8 MP का। बैटरी इसमें मिल जाएगी 3060 mAh की, जो कि सबसे ज़्यादा रहेगी अपने सेगमेंट में। हेडफोन जैक मिलेगा इसमें 3.5 mm का। ठीक है, और इसमें आपको इंटरनल मिल जाएगा 64 GB, और हाँ प्राइस रहेगा आपका 19,990 रुपये, यानी 20,000 से 20,000 के अंदर ही आएगा ये फोन। हाँ, आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो में ये काम करेगा। स्क्रीन मैं बता दिया हूँ कि भाई इसमें जो स्क्रीन रहेगी 5.84 इंच की, और रेस्यू का भी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इसमें रेस्यू भी अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, इसका एक एडवांस वर्जन भी आ गया, नोकिया 7.1 प्लस, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका है। ठीक है, तो आप चाहें तो थोड़े पैसे लगाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, नोकिया 7.1 है ये। और हाँ, नोकिया की सर्विस सेंटर भी आप लोग अच्छा जानते हैं कि अच्छा रहता है, तो ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। ठीक है, हाँ, नोकिया 7.1 प्लस भी आ गया, आप लोग चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। अब हमारा जो अगला स्मार्टफोन है वो ओप्पो A7 है। ठीक है, कंपनी ने इसका नया वेरिएंट लॉन्च किया है 4 GB वाला। तो हाँ, ये दो मॉडल में आएगा, मैं पहले बता दूँ, ओप्पो A7 3 GB और 4 GB। तो डिस्प्ले इसमें आपको 6.2 का मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए आपको इसमें मिल जाएगा 450 वाला स्नैपड्रैगन, और हाँ रैम आपको 3 GB और 4 GB मिलेगी। इंटरनल आपको 64 GB 32 GB मिलेगा, और डबल रियर कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा 13 MP और 2 MP, और सेल्फी कैमरा भैया इसमें सेल्फी मेन है, तो सेल्फी मिलेगा आपको 16 MP। ठीक है, बैटरी मिलेगी आपको इसमें 4230 mAh। ठीक है, इसमें बहुत ही लंबी बैटरी भी मिलेगी आपको,
और स्क्रीन का रेटिव, या रेटिव तो आपको मिलेगा 720 से, 720 से लेकर 1520 तक। एंड्रॉयड ओरियो 8.1 पे ये काम करेगा। और हाँ, इसका जो प्राइस है 3 GB वाला, वो है 14,990 रुपये, और जो 4 GB वाला है वो मिलेगा आपको 16,990 रुपये में। ठीक है, बेस मॉडल कह सकते हैं और टॉप मॉडल कह सकते हैं। देखिए, 64 GB और 32 GB की इंटरनल के साथ मिल रहा है। वैसे कंपनी बोलती है कि हम इसका जो प्राइस है 14,500 रुपये रखेंगे, लेकिन हाँ मैं बता दूं, अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं इसका तो 14,990 रुपये में बेस मॉडल आएगा, और टॉप मॉडल आएगा 16,990 रुपये में। ठीक है, अब नेक्स्ट फोन आता है हमारा रेडमी नोट 7 प्रो। ये फरवरी में आने वाला है। और हाँ भाई, इसमें कुछ चीजें, कुछ लोग कंफ्यूजन बहुत थी लोगों के बीच कि ये पहले जनवरी में आएगा कि फरवरी आएगा। तो मैं एक न्यूज के माध्यम, कुछ सूत्रों से मुझे ये पता चला कि ये फोन जो है फरवरी में आएगा। ठीक है, इसमें डिस्प्ले आपको 6.3 इंच का दिया जाएगा। रेशियो आपका रहेगा 19:5:9। ठीक है, और स्नैपड्रैगन रहेगा 675 वाला। ठीक है, परफॉर्मेंस को तगड़ा बना देगा। फिर डबल रियर कैमरा में मिलेगा 48 मेगापिक्सल, और 5 मेगापिक्सल सेल्फी के लिए, 20 मेगापिक्सल मिलेगा। सॉरी। और रैम मिलेगी इसमें आपको 6 GB। ठीक है, और इंटरनल मिलेगा आपका यहाँ पे 64 GB। ठीक है, बैटरी लाइफ इसमें मिलेगी 4100 mAh। भैया, इसकी प्राइस कहा जा रहा है कि 14,990 रुपये में इंडिया में आएगा। इससे चाइना में से कंपनी ने बोला है 14,990 रुपये, लेकिन चाइना में इसकी प्राइस है 13,500 रुपये, और इंडिया में नोट 7 प्रो आएगा 15,700 रुपये में। ठीक है, इसका एक ही मॉडल आएगा। ठीक है, देखो, जो जनवरी से फरवरी तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगला नंबर आ जाता है यहाँ पे मी मिक्स 3 का 5G मॉडल। ठीक है, जिसको चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6.4 इंच। ठीक है, और हाँ, ये 3 मॉडल में आने वाला है, और तीनों मॉडल की अलग अलग प्राइस होगी, अलग अलग फीचर होंगे। तो डिस्प्ले आपको 6.4 इंच का मिलेगा, और रेशियो आपका मिल जाएगा 19:9,
ठीक है, और पिक्सल रेशियो आपको मिलेगा 1080 से 2340 तक। फिर डबल रियर कैमरा आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का, और डबल सेल्फी कैमरा भी दिया जा सकता है इसमें, 24 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल या तो 20 मेगापिक्सल। ठीक है, कंपनी ने अभी इसे कोई फिक्स नहीं किया Mi Mix 3 का। ठीक है, लेकिन ये 3 मॉडल में आएगा। रैम में बता दूं, 10 GB, 6 GB और 8 GB। ठीक है, स्नैपड्रैगन 855 का भी दे सकता है इसमें, और 845 का भी मिल सकता है। हाँ, इस फोन में बैटरी 3200 mAh की भी मिल सकती है, और अड़तीस सौ पचास एम एच की भी दे सकता है। ठीक है, एंड्रॉइड पाई पे ये काम करेगा। और हाँ, पहली बार किसी फोन में वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, मतलब बिना वायर के चार्ज होगा, तो अच्छी बात है। कम से कम तार वाला झंझट, लाइट वाला झंझट हट जाएगा। और इंटरनल स्टोरेज में बात करूं, इसमें 128 GB का भी मिलेगा और 256 GB का भी मिलेगा। और हाँ भैया, जो बेस मॉडल है वो 34,890 रुपये का रहेगा, जो मिडिल मॉडल है वो 40,000 का रहेगा, और जो टॉप मॉडल है Mi Mix 3 का वो रहेगा 52,700 रुपये का। ठीक है, 52,700 रुपये का रहेगा। ठीक है, 5G वर्जन में ये आएगा। और हाँ, हमारे लिस्ट का जो अगला फोन है वो भी Xiaomi की तरफ से है, Xiaomi Redmi R1। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या किया है कि क्या हुआ कि देखिए, जैसे हम अलग अलग वेरिएंट लॉन्च होते हैं हर फोन में, तो चाइना में जो मॉडल आया है उसमें दिया गया डिस्प्ले 5.9 का, रैम आपको मिली है 3 GB। ठीक है, रेशियो मिला है 1080 से 2160 तक, मतलब 18:9। स्नैपड्रैगन मिला है 630 mAh का। ठीक है, एड्रिनो मिला है 508, और 32 GB की इंटरनल मिली है आपको, और डबल रियर कैमरा मिला है 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल इसमें, और बैटरी आपको 4000 mAh दी गई है इसमें। और प्राइस है वहाँ पर 14,000 रुपये। ठीक है, और सेल्फी कैमरा आपको मिला है वहाँ पे 5 मेगापिक्सल,
लेकिन अगर ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में जो R1 का मॉडल आएगा उसमें आपको 24 मेगा पिक्सल और 45 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, 14,000 प्राइस वहाँ पर रखी गई है। अब मैं जो सोनी कंपनी है वो दो मोबाइल लॉन्च करने वाली है 2019 में। एक है सोनी एक्सपीरिया X53, वो 5G वर्जन में आएगा। डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगी 5.7 इंच, स्नैपड्रैगन परफॉर्मेंस के लिए 636 का मिलेगा यहाँ पर, और रैम आपको मिलेगी 6 GB और इंटरनल आपका मिलेगा 64 GB, और रियर कैमरा एक सिंगल रियर कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, ठीक है। और सेल्फी कैमरा मिलेगा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का। एंड्रॉयड ओरियो 8.1 मिलेगा यहाँ पर आपको, और बैटरी मिलेगी 3250 mAh की, और प्राइस रहेगा इसका 40,000 से 50,000 के बीच, 40 से 50,000 तक, ठीक है। और दूसरा फोन आने वाला है सोनी की तरफ से, सोनी एक्सपीरिया R6। सोनी का दावा है ये अपने सेगमेंट में सबसे पतला फोन होगा, ठीक है। तो स्नैपड्रैगन यहाँ पर आपको मिलेगी 845 की, रैम आपको 4 GB और 6 GB दो वेरिएंट में आएगा, और हाँ इंटरनल मिलेगा आपको 64 GB और 128 GB। हाँ डबल रियर कैमरा आपको यहाँ पर मिलेगा 24 मेगापिक्सल और 25 मेगापिक्सल, ठीक है। और सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल, और बैटरी मिलेगी 4400 mAh। और हाँ इसके डिस्प्ले के बारे में कुछ नहीं बोला गया है अभी, तो लॉन्चिंग के टाइम ही पता चलेगा। और प्राइस इसकी रखी गई है 34,000 रुपये। बैटरी में बोल ही चुका हूँ 4400 mAh रहेगी, मतलब 4400 mAh, ठीक है। तो भाई जो लास्ट फोन है हमारा, देखिए अगला फोन है ओप्पो रियलमी, ठीक है। ये जैसे हीरो होंडा का टाइप हुआ था, हीरो होंडा पहले आते थे साथ में, मारुति सुजुकी आती है साथ में, ठीक है। वैसे ही ये ओप्पो रियलमी का सेट है, ओप्पो रियलमी 1, ठीक है। इसमें डिस्प्ले आपको 6.6 पॉइंट का मिलेगा, ठीक है। रैम आपकी रहेगी 3 GB और 4 GB, 6 GB, तीन मॉडल रहेंगे इसमें भी। और रेशियो आपको 18:9 का मिलेगा। इंटरनल रहेगा 32 GB, 64 GB और 128 GB। एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलेगा। रियर कैमरा में बात करूं तो इसमें 13 मेगापिक्सल का दो रियर कैमरा मिल सकता है, ठीक है।
और सेल्फी कैमरा में बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। बैटरी रहेगी इसमें 3410 mAh की, मतलब 3410 mAh। ठीक है, प्राइस की मैं बात कर लूँ तो थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। वैसे इसकी प्राइस 7,000 से चालू हो जाएगी ऑफलाइन में, ऑनलाइन में मतलब। ठीक है, वैसे बेस मॉडल इसका आएगा 9,000 रुपये में, 3 GB वाला। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 11,000 में मिडिल मॉडल आ जाएगा, और फिर 14,000 में इसका टॉप मॉडल आ जाएगा, मतलब 128 GB वाला। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हम फिर आएंगे नए स्मार्टफोन्स के साथ। तब तक इनमें से आपको जो भी फोन पसंद आए वो जनवरी या फरवरी के महीने में आप जाकर ले सकते हैं। वैसे मैंने जितने भी स्मार्टफोन बताए हैं वो सब 2 महीने के स्मार्टफोन है, मतलब जनवरी और फरवरी के। तो हाँ, ओके, गुड नाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गुड बाय।